खबर ऊना से, बेघर हुए प्रवासियों को बांटा राशन और जरूरतमंद सामान। जी हां, ऊना के वार्ड नंबर 4 में पिछले कल लगी आग से 60 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आज उन्हीं प्रवासियों को स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं में मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। आज लविश कपिला, डॉक्टर मोनिका एवं इंडियन हेल्पिंग हेड के चेयरपर्सन एवं सहयोगी साथियों ने इन बेसहारा प्रवासियों के लिए सोने के लिए गद्दे, पानी के लिए बाल्टियां, खाने के लिए आटा, चावल, सब्जियां एवं दालों के साथ साथ अन्य राशन की सामग्री भेंट की तथा उनके सुखी जीवन की कामना की। बहुत ही दर्दनाक हादसा है, ऊना के सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हैं। वो सब लोग यहाँ पे हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहे हैं। हमारी टीम पिछले 7 वर्षों से सेवा में लगी है। हम यहाँ पे झुग्गियों में हैं। जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे काफ़ी परिवार बेघर हो गए हैं, झुग्गियों में आग लग गई थी तो कईयों के पास घर नहीं थे, तो हमारी टीम यहाँ पे राशन सामग्री और कुछ कपड़े लेके पहुँची है। परसों रात ही हमारा एक प्लान बना था कि हमने कल कुछ हिमाचल डे पे हमने कुछ करना है, तो आज हमने एक दिन में हमने एक खूनदान कैंप का अरेंजमेंट किया और आज वो कैंप हमारा इतना सफल रहा है, जिसमें 78 यूनिट ऊना में कांगड़ा बैंक स्थित में हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे 78% यूनिट एकत्रित हुए हैं। ये सब आपके सहयोग से है। उसके बाद लगातार टीम हमारी यहाँ पे सेवा देने आई है।